नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, ये लिनन कॉटन का शर्ट है, इस पे तेल के दाग है। तो ये कस्टमर का शायद बहुत फेवरेट शर्ट है, क्योंकि ये बहुत ही खराब हो गया है, मगर फिर भी यह रफू करके यूज़ कर रहा है कस्टमर, और बहुत सारा तेल भी लगा है। तो इतना खर्चा कर रहा है कस्टमर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उनका फेवरेट होगा, कुछ होगा, हमें काय केला जितना हमें काम बोला है उतना काम करने का है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये तेल का दाग है, और तेल का दाग निकालना है। इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो एक्सल स्टेन रिमूवर है तो ये लगा देंगे। तो इसका काम ये होता है कि जब हम स्टेन रिमूवरिंग का काम करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें खर्चा कैसा कम लगेगा और किस में हमें खर्चा कम लगेगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, समझो कोई स्मेल नहीं है तो कोई हार्मफुल नहीं है, या फिर कुछ स्क्रीन के लिए तो कुछ धोखादायक नहीं है, या फिर सेंसिटिव नहीं है। और फिर देखेंगे रिजल्ट मिलता है क्या क्या, और कितना परसेंटेज गारंटी है। तो ये सारे को मद्देनज़र देखते हुए हम क्या करेंगे, ये एक्सल स्टेन रिमूवर है, ये कैसा काम करता है देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बीच में से निकलता है क्या नहीं निकलता ये देखने के लिए चेक करेंगे। अभी क्या करते हैं, बीच में हमने इसको लगा दिया है, और लगा के हम क्या करेंगे, नॉर्मली थोड़ा ब्रश करेंगे। तो जब भी ऑयल का स्टेन हो तो क्या करना है, बिगर कपड़ा गीला किए एक्सल स्टेन रिमूवर लगा देना है, और नॉर्मली ब्रश से उल्टे साइड से और सीधे साइड से थोड़ी ब्रशिंग करनी है। कपड़ा कितने भी कच्चे कलर का हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर फिर भी हमें बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे पानी लगा देंगे, थोड़ा ब्रश करेंगे तो भी सफ़ेद हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमें कपड़ा देख के काम करना चाहिए, हमें कपड़े के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे खाली नॉर्मल ब्रश कर दिया है, और इसमें हमने क्या कर दिया, पानी में खंगाला है, और फिर हमें देखना है कि लाइव रिजल्ट हमें मिलता है क्या नहीं मिलता, ये देखना है। तो इसको क्या करेंगे कि हम थोड़ी प्रेस घुमाकर देखेंगे रिजल्ट आया है क्या नहीं आया, दाग निकला है क्या नहीं निकला। तो हमने ये जो बड़ा दाग था यहाँ बीच में लगाकर हमने ब्रश कर दिया, तो आप देख सकते हैं दाग इधर भी बचा है, इधर भी बचा है, मगर बीच में का पूरा निकल गया है। तो ये परफेक्ट काम करेगा, इसको प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे, ये दाग पे लगा देंगे, नॉर्मल ब्रश करेंगे, फिर उल्टे साइड से भी थोड़ा लगाकर ब्रश करेंगे, और फिर इसी तरह से वॉश करके हम कस्टमर को दे देंगे। अगर इसका चार्ज लगाया होता है तो शायद हमें एक बार दो बार भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 150-200 रुपये चार्ज लगाना पड़ता है, तब जाके हमें भी पड़तल खाता है, खर्चे की बात होती है तो कोई नहीं, मगर ऐसा काम करना पड़ता है ना, टाइम जाता है तो हमें चार्ज तो लेना ही पड़ता है। तो फिर ये बहुत बड़ा दाग है, इस दाग में भी हम चेक करेंगे ये बीच में। तो हमने ब्रश कर दिया है नॉर्मली, और फिर थोड़ा उल्टे साइड से भी करेंगे ताकि तेल का दाग पूरा निकल जाए। ये तेल के दाग के लिए, ग्रीस के दाग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है एक्सल स्टेन रिमूवर, और इसकी खास बात यह है कि ये कलरफुल कपड़े पे भी चलता है, मगर कंपनी का काम है बोलना कि चेक करके ही यूज़ करें। वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी क्योंकि बहुत सेंसिटिव कपड़े आते हैं, सिर्फ पानी और थोड़ा नॉर्मल ब्रश करेंगे तो भी कलर वहाँ का फेड हो जाता है, तो फिर केमिकल है, तो इसको भी थोड़ी प्रेस घुमा के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। हाँ तो दोस्तों, ये यहाँ पे भी तेल का दाग था,
तो हमने ये बीच में से निकाल दिया है तो ये दाग निकल गया है। और ये जो शर्ट है ना, इसमें शायद बोर का पानी यूज़ करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है क्षारों के वजह से, तो यहाँ थोड़ा क्लियर भी दिख रहा है। तो इसी तरह से ये पूरे दाग तेल के हम रिमूव करेंगे। इस शर्ट का चार्ज हमने 200 रुपये लगाया है, तो फिर क्या करेंगे, यही पूरे स्पॉट को एक्सल स्टेन रिमूवर लगा के ब्रश करेंगे और फिर सूखने देंगे उसको। और सूख जाता है तो फिर क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे और फिर दूसरी बार क्या करते हैं कि चेक करते हैं प्रेस करते वक्त कहाँ बच गया है क्या। अगर कहाँ पे बच जाता है तो फिर डबल करते हैं, क्योंकि गारंटी दिए वाली रहती है और इसमें हमें ज़्यादा पड़तल का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। पड़तल तो खाता है वैसे भी, मगर कैसा है, हमारा नाम होता है इसलिए कस्टमर ऐसी चीज़ें लेके हमारे पास आते हैं कहाँ पे नहीं होता करके। तो फिर यह भी इसके लिए भी हमें ये करना पड़ता है, अगर एक आधे टाइम में पड़तल नहीं खाया तो भी हमारा नाम रखने के लिए, हमारे नाम के लिए ये ऐसे काम करना पड़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सेफ है एक्सल स्टेन रिमूवर, क्योंकि अगर दूसरा कुछ केमिकल यूज़ करते हैं तो महंगा पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये बहुत कम खर्चे में भी काम होता है, कपड़े को भी कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, काम करते वक्त हमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, और रिजल्ट तो 100% आता है और काम की भी गारंटी है। तो हम ऐसे ऑयल ग्रीस तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।